मैंने गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड एन, सीकेंट ड्रॉन थ्रू एम एंड एन इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर एस एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। देखिए दो सर्कल है और ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे का पॉइंट एम और एन पर इंटरसेक्ट करती है। और अब क्या है कि भाई यहां से अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां से दो अगर सीकेंट ड्रॉ की जाए तो ये सीकेंट सर्कल को पी क्यू पर और आर एस पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, सेगमेंट एस क्यू, एस क्यू ये पैरेलल है आर पी से, मतलब ये जो दोनों सेगमेंट है ये आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये बहुत सिंपली ये प्रूफ होने वाला है, आप हंसेंगे इसे प्रूफ होने के बाद कि भाई बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए तो यहां पर देखिए पॉइंट आर पी एम एन ये क्या है भाई, सर्कल पर है, मतलब ये क्या होगा, ये कॉन्साइक्लिक हो गए। तो लिखेंगे यहां पर, इसके पहले सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने रेड लाइन से यहां पर ड्रॉ करके रखा है, लिखेंगे ड्रॉ एम एन, हमने एम एन यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब आएंगे प्रूफ पर, देखिए पॉइंट आर पी एन एन, आर पी एन एम आर कौन साइक्लिक, ओके ये कौन साइक्लिक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटर हुआ ये क्वाड्रिलेटर क्या होगा भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटर आर पी एन एम इज साइक्लिक। ओके, तो यहां पर देखिए अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल एम आर पी, एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम एन पी प्लस एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। अब यहां देखिए इन दोनों का सम हमने ले लिया भाई 180 डिग्री, ठीक। अब हम इस क्वाड्रिलेटर की बात करें, इस क्वाड्रिलेटर की, तो ये भी साइक्लिक होगा, कौन सा एम एन क्यू एस, ये भी साइक्लिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके भी चारों पॉइंट सर्कल पर है, कौन साइक्लिक है, तो यहां लिख लेंगे क्वाड्रिलेटर एम एन क्यू एस, एम एन क्यू एस इज साइक्लिक। और अगर ये साइक्लिक है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे इसका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल एम एस क्यू, एंगल एम रेट से लिख लूंगे, एंगल एम एस क्यू प्लस एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान में हमें क्या करना है, हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को इक्वल बताएंगे। ओके, एक्सटीरियर एंगल को हम यहां पर इक्वल बताएंगे, मतलब यहां पर अगर हम इस क्वाड्रिलेटर की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटर के लिए एम एन क्यू एस के लिए ये वाला जो एंगल हुआ एम एन पी, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज कॉन्ग्रुएंट, ये क्या होता है भाई, इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को हम इक्वल बता सकते हैं, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर एम एन क्यू एस एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी इज एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल एम एस क्यू, एंगल एम एस क्यू ये इक्वल होगा एंगल एम एन पी के, एंगल एम एन पी के इक्वल होगा भाई, क्यों, यहां पे हम रीजन लिखेंगे, या
एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, एंगल एम एन पी और एम एस क्यू, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो इन दोनों का सम अगर 180 होता है और ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा. ओके, सो देयरफॉर यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये दोनों अगर 180 डिग्री हो गए तो देखिए ये क्या हो गया भाई, ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल हो गए. ओके, और इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. तो लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टू पैरेलल लाइन. क्या है टू पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, इंटीरियर इफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन आर पैरेलल. ओके, तो इसी का मतलब हम यहां पे लिख लेंगे, therefore segment SQ ये parallel हो जाएगी segment RP. देखिए बस simple सा proof था. okay, बस हमने यहाँ पर क्या बताया है, हमने इसे cyclic बताकर इसका 180 ले लिया sum, हमने इसे cyclic बताकर इसका sum 180 ले लिया. बाद में exterior angle से हमने क्या बता दिया भाई, इन दोनों को equal बता दिया. अब अगर इन दोनों का सम 180 होता है, ओके, और ये इक्वल है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा. और अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो ये क्या दिख रहे भाई, ये तो हमें इंटीरियर एंगल दिख रहे. अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो जो दोनों लाइन होंगी वो पैरेलल हो जाएगी. बस सिंपली इसे प्रूफ करना था.